बचपन का कोई अंत नहीं। जब कोई कुछ अलग सबसे हटकर कर पाए और उसमें अपनी पहचान ढूंढ ले, उसे बचपन कहते हैं। मस्ती बचपन का एक ऐसा पार्ट है जो किसी को रुला भी सकता है और हंसा भी सकता है। जमघट की शुरुआत हम लोगों ने की मिलकर। हम लोग 20 बच्चे थे, सारे बच्चे स्ट्रीट से थे, तो हम लोगों ने जो नाटक बनाया था प्रिंस चार्ल्स के सामने दिखाया था, वो हम लोगों ने पूरी दिल्ली घूम घूम के किया। जमघट में एक साथ रहने से बहुत खुशी होती थी। सबसे ज़्यादा खुशी इसी चीज़ से होती थी क्योंकि हम एक साथ रहते थे। जो मेरी फैमिली भी नहीं दे पाती, जो जमघट ने मुझे दिया, उस तरीके की हाई लेवल की एजुकेशन, उस तरीके की थिंकिंग, आगे सोचने का, जो एक अच्छे फैमिली के लोग भी नहीं दे पाते। अगर मैं जमघट को एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो वो है फरिश्ता। कुछ अलग सा एहसास है जमघट, जिसमें एक साथ खाने में, खेलने में, सबके साथ खेलते खेलते लड़ाई करने में एक अलग सी खुशी मिलती है। ट्यूशन में पढ़ते पढ़ते मस्ती करने के बाद जो डांट पड़ती है और फिर जो महाभारत स्टार्ट होती है, उसका अपना ही मजा है। चलो आज एक ज्ञापन दे देते हैं। हाँ हाँ अच्छा रहेगा। थिएटर में शैतानी करना और डांस क्लास में एक दूसरे को छेड़ने में कुछ अलग ही खुशी मिलती है। महारानी चेप्सी से मिल लेना। तो अभी जैसा तूने फेस बनाया था ना, देखा कैसे किया था। शुक्रिया साहब। महारानी चेप्सी की जय। महारानी चेप्सी की जय। हमारे जो भैया हैं अमित भैया, वो इतने प्यारे हैं और हमारा इतना ख्याल रखते थे, हमको किसी भी चीज़ की भी कमी नहीं हुई थी हमको, और बहुत प्यार दिया हमको भैया ने। अभी तक तो जमघट में जब से मैं आया हूँ मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहा है, क्योंकि पहले मैं बोलता नहीं था ना, थिएटर तो मैंने करता था पर आवाज़ ज़्यादा तेज नहीं थी। प्रेस वाला है जा अरे साहब जाऊँगा। जो आज मैं थिएटर करता हूँ बहुत अच्छा करता हूँ, मुझे कहा भी है लोगों ने, इसलिए कॉन्फिडेंस आया है। मेरे लिए सब कुछ है जमघट, क्योंकि जमघट ही नहीं, जो कुछ भी मैं हूँ या जितनी मेरी जान पहचान है, जितने अंदर मेरे हुनर या नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें, सब जमघट से सीखा है मैंने। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो फिर मैं किसी बच्चे को स्पॉन्सर करना चाहती हूँ, ताकि मैं किसी और को एक अच्छी लाइफ दे सकूँ। कुछ अलग सा करने की चाहत तो सब में होती है, पर उस चाहत को जुनून में बदलने में हो जाए एकजुट, उसे जमघट कहते हैं।